वेलकम क्लास 11th इन टुडेज़ हिस्ट्री क्लास. स्टूडेंट्स, इन हिस्ट्री वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, दैट इज़ फोर्थ चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री. एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम रिलीजन. हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से इस्लाम रिलीजन की शुरुआत होती है, कैसे उसकी फाउंडेशन रखी जाती है. प्रॉफ़िट मोहम्मद साहब का हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा. देन हमने देखा कि प्रॉफ़िट मोहम्मद के बाद जो एक अथॉरिटी पावर थी वो ट्रांसफ़र हो जाती है कैलिफ्स के पास, यानी खलीफाज के पास. अब आगे स्टोरी में क्या होता है वो हमें आज के क्लास में देखना है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. क्लास, अब तक हमने देखा कि किस तरह से प्रॉफ़िट मोहम्मद, जो कि कुरैश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे, उन्होंने किस तरह से 612 से 32 के बीच में मुस्लिम रिलीजन की फाउंडेशन रखी और उसे बहुत आगे बढ़ाया, उसका ग्रोथ कराया, है ना. देन हमने पढ़ा कि प्रॉफ़िट मोहम्मद के डेथ के बाद, जो कि 632 में हो जाता है, उनका जो पावर था या उनका जो एक पोस्ट था, उनका जो रुतबा था, उस चीज़ को के बारे में उन्होंने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं बताया था कि उनके बाद कौन होगा जो उनकी कम्युनिटी को, इस्लाम कम्युनिटी को आगे बढ़ाएगा, है ना, और एडमिनिस्ट्रेट करेगा. लेकिन उनके डेथ के बाद फिर उनके जो चार क्लोज पर्सन्स थे, जिनको कैलिफ्स कहा गया, है ना, और उन्होंने एक हेड की तरह पूरे इस्लाम रिलीजन को आगे बढ़ाया और बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क किए जिसके थ्रू इस्लाम रिलीजन का ग्रोथ कराया गया. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा फोर्थ कैलिफ था, जो फोर्थ खलीफा था, जिसका नाम अली था, है ना, अली के डेथ के बाद क्या होता है कि उनका सन जो हुसैन था उसको लोगों ने नेक्स्ट खलीफा अनाउंस किया. उन लोगों ने कहा कि हमारा जो नेक्स्ट खलीफा होगा अली के डेथ के बाद वो हुसैन होंगे. ठीक है, फिर हुसैन के बाद, हुसैन ने क्या किया, हुसैन की डेथ के बाद उनका जो बेटा था जिसका नाम था मुवैया, ठीक है, तो उसको उन्होंने फिर नेक्स्ट खलीफा या नेक्स्ट जो हेड था, यानी डिप्टी ऑफ प्रॉफिट पोस्ट से भी नवाजा गया था. तो ये किसको दे दिया गया, मुवैया को बना दिया गया. यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन जनरेशन सीरीज़ बाई सीरीज़ चलती है एक ही फैमिली की कैलिफ के पोस्ट के ऊपर, है ना. सबसे पहले अली, अली के बाद तो हुसैन बन जाते हैं खलीफा, जो कि मतलब वो अपने खुद के मर्ज़ी से नहीं बनते हैं, उन्हें तो उनके फॉलोवर्स ने बनाया था, है ना, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया था हुसैन को नेक्स्ट खलीफा की तरह. हुसैन के बाद जब मुवैया बन जाता है, हेड बन जाता है, उसका बेटा मुवैया खलीफा बन जाता है और रूलिंग अथॉरिटी, रूलिंग पावर उसके हाथ में आ जाती है, तो अब मुवैया डिक्लेयर कर देता है कि अब जो भी खलीफा होगा वो कोई फॉलोअर्स के बीच से नहीं आएगा, बल्कि वो कौन होगा, वो हमारी फैमिली से ही पर्सन होगा. ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि यहाँ का जो रूलिंग सिस्टम है वो डायनेस्टी वाइज रूलिंग सिस्टम में चेंज हो जा रहा है ना. अभी क्या था कि अभी जो पॉपुलर पर्सन है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत क्लोज था, या जो थोड़ा सा पावरफुल है, जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है या कुछ और दूसरी क्वालिटीज़ थी, उनको इस हायर पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा था ना. लेकिन मुवैया के आने के बाद मुवैया ने डिक्लेयर किया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अब जो ये हाई पावर है, जो हायर पावर है, हायर अथॉरिटी है, जिसे डिप्टी ऑफ प्रॉफिट, जिसे कैलिफ्स या जिसे खलीफा के नाम से जाना जाता है, वो कौन होगा, वो हमारी ही फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन होगा. ठीक है, तो अब जो हमारा अरब था, जो हमारा मदीना था, और मदीना के अलावा वो पार्ट्स जो कि अभी हमारे फोर पुराने जो कैलिफ्स थे उन लोगों ने जीते, है ना, उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ भी बहुत सारी एक्सपेंड की, तो वो पूरा एरिया अब किसके अंडर में आ चुका था, वो हमारे मुवैया के अंडर में आ चुका था. और मुवैया की जो डायनेस्टी थी उसको उमय्याद डायनेस्टी कही जाती है. ठीक है, तो अब यानी यहाँ से कौन सा रूलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, यहाँ पर डायनेस्टी वाइज रूलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है. और कौन सी डायनेस्टी चल रही है, यहाँ पर उमय्याद डायनेस्टी शुरू हो जा रही है. ठीक है, अब देखते हैं कि उसके बाद फिर क्या होता है. उमय्याद डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद फिर इस्लाम रिलीजन के साथ और क्या होता है, किस तरह से और आगे बढ़ता है इस्लाम. ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या हुआ फिर. द उमय्याद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी.
अब हम लोगों ने समझ लिया कि अब उमैयाद डायनेस्टी आ गई और इन्होंने अब क्या करना शुरू किया, इन्होंने जो पॉलिटिकल पावर थी उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश शुरू की। ठीक है, इसके लिए जो फर्स्ट हमारे उमैयाद थे, यानी फर्स्ट उमैयाद कैलिफ थे, खलीफा थे, वो थे मुआविया, है ना। और मुआविया ने क्या किया, इन्होंने अपना जो कैपिटल था वो चेंज करा और कैपिटल जो नया इनका कैपिटल बना वो था डमास्कस। डमास्कस को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया। इसके अलावा इन लोगों ने जो फोर खलीफाज थे हमारे, कैलिफ्स थे, उन लोगों ने बहुत सारा, हम लोगों ने पढ़ा कि टेरिटरी जीता था, जिसमें बाइजेंटाइन नाम का एक टेरिटरी थी, एक बहुत बड़ा एम्पायर था जो अब इनके अंडर में आ चुका था। ठीक है, तो ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, तो इन ये जो भी इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो इन लोगों ने बनाए थे, जो भी इनके यहाँ के कोर्ट्स वगैरह थे जहाँ पर ये काम किया करते थे जब ये फ्री थे, है ना, जब ये इनके अंडर में नहीं आए थे, मुस्लिम्स के अंडर में, इस्लाम के अंडर में नहीं आए थे उस टाइम तक, जो भी वो कोर्ट्स यूज़ करते थे, जो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस यूज़ किया करते थे, उनको यूज़ करना शुरू किया किसने, मुआविया ने। ठीक है, समझ रहे हो। तो बाइजेंटाइन एम्पायर के सारे जो चीज़ें थी उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया था मुआविया ने। इसके बाद फिर मुआविया ने ये भी इंट्रोड्यूस किया कि अब उसके बाद से उसका बेटा ही नेक्स्ट खलीफा बनेगा, नेक्स्ट रूलर बनेगा पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का, पूरे इस्लाम कम्युनिटी का। ठीक, और इनको लोग बहुत फॉलो भी कर रहे थे, बहुत इनका इनकी रिस्पेक्ट भी उस समय बढ़ चुकी थी। तो ऑलमोस्ट 90 इयर्स तक इनका पावर रहा है, मतलब उमैयाद डायनेस्टी का पावर रहा है। देन फिर बाद में ये अब्बासिड्स के अंडर में चला जाता है, अब्बासिड्स के पावर में आ जाता है। तो अब्बासिड्स के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कुल मिलाकर ये देखते हैं कि यहाँ पर मुआविया बहुत एक सक्सेसफुल रूलर की तरह अपने एरियाज़ को एक्सपेंड भी कर रहा है और प्रॉपरली रूलिंग भी इस टाइम पर कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पर जो इनके टेरिटरी के अंदर, इनके पूरे एम्पायर के अंदर, इनके पूरे जो एरियाज थे, रीजन था, उसके अंडर में डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड रीजन्स भी अब जुड़ चुके थे, है ना, ऐड हो चुके थे, इंक्लूड हो चुके थे। तो यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी वो भी बहुत देखने को मिल रही थी। ठीक, अब यहाँ पर यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वहाँ पर क्रिश्चियन एडवाइज़र्स भी थे इनके पास, और इसके अलावा ज़ोरोस्ट्रियन स्क्राइब्स एंड ब्यूरोक्रेट्स वर आल्सो देयर। ये सारे लोग मिलकर, ये इनके साथ मुआविया के साथ मिलकर काम करते थे। ठीक, उमैयाद डायनेस्टी के जो भी रूलर्स रहे हैं उन लोगों ने हमेशा इस बात के लिए अपील किया कि किस तरह से हमको यूनिटी बना के चलना है, है ना। तो यूनिटी को बहुत प्रमोट किया कि यूनिटी बहुत अच्छे से मेंटेन रहे। इसके अलावा जो भी रेबेलियंस हो रहे थे, जो भी विरोध हो रहे थे, अपोज किया जाता था किसी भी पर्सन की तरफ से इस्लाम के नाम पर, उन चीज़ों का भी उन्होंने हमेशा से विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई नहीं करेगा, और हमें अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसी बीच जब ये हमारा उमैयाद डायनेस्टी का एक रूलर थे जिनका नाम था अब्द अल मलिक, जो 685 से 705 तक इनका रूलिंग पीरियड था, रूलिंग टाइम था। इस टाइम पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ स्पेशल एफर्ट किए, कुछ नए तरीके के काम किए। जैसे पहले इन्होंने सबसे पहला क्या काम किया, इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया। सबसे कहा कि हमारी जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इस्लाम कम्युनिटी है, इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं, या हमारे इस पूरे किंगडम के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो कौन से रिलीजन, सॉरी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, वो अरेबिक लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो अब अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में आना है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो लोगों को अरेबिक लैंग्वेज जानना ज़रूरी होता था, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था, हम कह सकते हैं इस्लाम हिस्ट्री का, जो कि बहुत बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस हुआ किसके द्वारा, अब्द अल मलिक के द्वारा। ठीक है, इनके अलावा इन्होंने और क्या इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने गोल्ड दिनार और सिल्वर दिरहम को इंट्रोड्यूस किया।
इस टाइम पर बहुत तेज़ी के साथ गोल्ड के दिनार्स और सिल्वर के दिरहम सर्कुलेशन में थे। ये जो क्वाइंस थे ये एक तरह से कॉपी करे हुए गए थे, जैसे बाइजेंटाइन और ईरानियन क्वाइंस होते थे उनकी थोड़ी सी नकल इसमें देखने को मिली है, कि जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर में क्वाइंस बनाए जाते थे और ईरानियन क्वाइंस जैसे थे, है ना। तो बाइजेंटाइन के क्वाइंस थे दिनारियस और ईरानियन क्वाइंस थे ड्रैकम, ये थे कॉपी करे हुए। और जिसमें इनके जो बाइजेंटाइन और ईरानियन क्वाइंस में क्या देखने को मिलता था कि ये ग्रीक और पहलवी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें होती थी, है ना। क्वाइंस में कुछ कुछ चीज़ें लिखी भी गई जाती हैं, तो ये ग्रीक और पहलवी लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो सिंबल्स बने हुए थे वो थे क्रॉसेस बने हुए थे, फायर के जैसी चीज़ें दिखाई दे रही थी, तो ये चीज़ें उसमें बनी हुई होती थी क्वाइंस में, ठीक। लेकिन जब हमारे यहाँ पर अब्दुल मलिक के द्वारा जो क्वाइंस बनाए गए उसमें अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ होता था और साथ में अल्लाह का नाम भी उसमें लिखा होता था, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने एक इस्लामिक आइडेंटिटी और दी अरब को, जहाँ पर इन्होंने डोम ऑफ रॉक इन जेरूसलम बनवाया, एक मॉस्क्यू जिसमें जो उसकी छत थी वो डोम वाइज गुंबद जैसी स्ट्रक्चर की शुरुआत इस टाइम पर अब्दुल मलिक जी ने करी। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन थे इस्लाम को लेकर, और ये बिलोंग करते थे उमय्याद डायनेस्टी से, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द अब्बासिद रिवॉल्यूशन। हुआ क्या कि अभी तो उमय्याद डायनेस्टी बहुत अच्छे से चल रही है, सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन उसी टाइम 750 में क्या हुआ कि 750 में एक मक्कन ओरिजिन की ही फैमिली थी, जो मक्का से ही मतलब जन्म ली हुई एक फैमिली थी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम रखा गया दावा 750 में। और इनको इन्होंने ये मतलब प्रूव करने की कोशिश की कि उमय्याद के अंडर में, उमय्याद डायनेस्टी के अंडर में ठीक ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सही से रूलिंग नहीं हो रही है, मतलब लोगों को चीज़ें नहीं मिल पा रही है, लोग सुखी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, और ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से रूलिंग नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इन चीज़ों को प्रूव करते हुए इन्होंने दावा नाम से एक मूवमेंट शुरू किया और कहा कि अब हमको क्या करना होगा, अब हमें उमय्याद को रिमूव करना होगा, क्योंकि उनके रूलिंग अंडर जो उनका रूलिंग सिस्टम है कोई भी पर्सन खुश नहीं है और ये सही ढंग से रूल नहीं कर पा रहे हैं। अब बासित फैमिली ने उमय्याद लोगों को ना सिर्फ एविल कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो एविल हैं और इन्हें रिमूव करना ही होगा, और साथ में हमें क्या करना होगा, हमें इस्लाम को एक नए फॉर्म में यहाँ पर अब रिस्टोर करना है, नए तरीके से तैयार करना है। और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ इसका रिज़ल्ट ये आता है कि इस रिवॉल्यूशन के रिज़ल्ट में ना सिर्फ डायनेस्टी यहाँ पर चेंज हो जाती है, यानी उमय्याद डायनेस्टी ही हट जाती है पूरी तरीके से, बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसा भी उमय्याद के अंडर में था वो चेंज हो जाता है, और इस्लामिक कल्चर भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है जब अब्बासिद्स आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। जब उमय्याद को रिमूव करके अब्बासिद्स आ जाते हैं तो उस टाइम पर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है, कल्चरल चेंज, पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल चेंज, और डायनेस्टी जो रूलिंग डायनेस्टी थी वो भी चेंज हो जाती है इस टाइम पर। अब ये जो अब्बासिद रिवॉल्यूशन हुआ था इसकी शुरुआत हुई थी ईस्टर्न ईरान में, ठीक। ईस्टर्न ईरान का एक पार्ट है खुरासन वहाँ पर, और ये खुरासन जो लोकेटेड था वो था जो इनका कैपिटल था डमास्कस, वहाँ से अगर हम फास्ट हॉर्स के थ्रू जाते हैं तो 20 डेज़ की जर्नी होगी, इतना ज़्यादा वहाँ पर डिस्टेंस है, और वहाँ वो पार्ट हमारा खुरासन जहाँ पर अब्बासिद रिवॉल्यूशन शुरू हुआ वो ईस्टर्न ईरान में था, ठीक है। अब ये जो ईस्टर्न ईरान है यहाँ पर ही क्यों शुरू हुआ, यहाँ पर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यहाँ पर जो मिक्स्ड अरब ईरानियन पॉपुलेशन थी, यानी यहाँ पर कुछ अरेबियन जो पॉपुलेशन थी वो भी थी, और ईरान की खुद की पॉपुलेशन थी, क्योंकि अब ईरान भी इनके अंडर में आ चुका था ना, तो वहाँ की ईरान की खुद की भी पॉपुलेशन, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत क्रिएट हो रहे थे बिटवीन अरब एंड ईरानियन पॉपुलेशन, ठीक है। दो दो तरह के लोग थे तो दोनों के बीच में हमेशा
जबकि दोनों ही जो ग्रुप्स थे वो दोनों ही ज्वाइन कर चुके थे इस्लाम को, है ना, काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी उनकी जो एक खुद की आइडेंटिटी थी उसके बेसिस पे यहाँ पर लड़ाई झगड़े हमेशा हुआ करते थे। तो इन लोगों ने हमेशा से ये बताया कि उमय्याद डायनेस्टी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, बहुत सारा टैक्स वगैरह लिया जा रहा है, टैक्स में कंसेशंस की बात की जाती है पर उसे कभी भी नहीं फुलफ़िल किया गया, जो भी प्रॉमिसेस इन्होंने किए वो भी कभी फुलफ़िल नहीं किए गए। और उस टाइम पर जो ईरानियन मुस्लिम्स थे उनको मवालीज कहा जाता था, ठीक है, तो मवालीज कह देने से, एक नया नाम देने से कहीं ना कहीं ईरानियंस को क्या लगता था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। अगर हम सबको एक साथ मुस्लिम कह दें तब तो ठीक था, क्योंकि सभी अब एक ही रूलिंग सिस्टम के अंडर में आ चुके थे, है ना, रूलिंग अथॉरिटी भी सबकी सेम ही थी, सभी खलीफा के अंडर में थे, चाहे वो ईरान था चाहे वो अरब था, जो अरब पहले का अरब था, ठीक। लेकिन हम जब इनको एक अलग आइडेंटिटी देकर एक अलग नाम दे के बुलाते हैं, उन ईरानियन मुस्लिम्स को हम मवालीज कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाई देता था, जो कि कारण बना उमय्याद डायनेस्टी को रिमूव करने का। ये जो अब्बासिद्स थे ये कौन थे, ये प्रॉफिट जो हमारे थे उनके अंकल, मतलब रिलेशन में थे, और उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया कि अब वो जो थे वो इस तरह के जो गलत पावर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था उसको हटाएंगे, ठीक है। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि खुद को उन्होंने क्या बताया, उन्होंने मसीहा कहा, और उन्होंने बताया कि अब हम मेरे थ्रू, क्योंकि मैं उस प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अब क्या होगा कि अब हम लोग मिलके उम्मीद को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अब इस टाइम पर जो ईरानियन कुछ स्लेव्स थे उन लोगों ने आर्मी का काम संभाला, और इसके साथ सब लोगों ने मिलके क्या किया कि वो उमैयाद का जो लास्ट कैलिफ था, लास्ट खलीफा था जिसका नाम था मारवान, उसको हरा दिया। और ये जो बैटल हो रही थी वो रिवर जाब के पास हो रही थी, एक रिवर है जाब नाम की, उसी के पास उमैयाद का आखिरी जो खलीफा था, आखिरी खलीफ था मारवान, और हमारे ये जो अब्बासियाद लोग के जो हमारे साइड से हमारे जो हेड आए थे जिन्होंने प्रॉफिट का रिलेटिव बताया अपने आप को, है ना, अबू मुस्लिम जिनका नाम था, वो आर्मी के कमांडर थे। तो इन सब ने मिलकर रिवर ज़ाब के पास उमय्याद डायनेस्टी के आखिरी खलीफा को मार डाला, मारवान को हरा दिया, और यहीं से उमय्याद डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। और अब अब्बासिद का रूलिंग सिस्टम यहाँ पर शुरू हो जाता है, यानी अब्बासिद डायनेस्टी यहाँ पर अब आ जाती है। और अब्बासिद जब रूलिंग आ जाती है तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इस टाइम पर जो ईरानियन कल्चर था वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और अरब का जो इन्फ्लुएंस था वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देता है, ठीक। अब्बासिद ने क्या किया, अब अब्बासिद ने अपना कैपिटल चेंज कर लिया, और अब कैपिटल इनका बगदाद हो गया। बगदाद को कैपिटल बनाते हुए इन्होंने जो भी इनका आर्मी था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थे, जो भी लोगों को अपॉइंट करना था, वो सारी चीज़ें नॉन ट्राइबल बेसिस पर करी, ठीक है। किसी भी तरह का किसी भी स्पेशल ट्राइब्स को नहीं कोई भी पावर दी जा रही थी, मतलब हर तरह से लोगों को इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि नॉन ट्राइबल बेसिस पे पार्टिसिपेशन किया इराक और खुरासन के लोगों का, ठीक। अब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, अब्बासिद रूलर्स के अंडर में बहुत सारे रिलीजियस वर्क जो हो रहे थे वो अच्छे से चलना शुरू हो जाते हैं, जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस थे वो भी बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, और अपनी खुद की एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ इन लोगों ने वर्क करना शुरू किया, ठीक है। इन्होंने जो भी सारी चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें थी, उनको मेंटेन भी करना चाहा, ठीक। जैसे उन्होंने क्या किया, जो भी इम्पीरियल आर्किटेक्चर थे जो कि उमय्याद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उमय्याद्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराए गए थे, उन चीज़ों को मेंटेन कराया उन्होंने। ये नहीं किया कि अब ये तो डायनेस्टी नहीं रही तो इस डायनेस्टी की कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए और इसको तोड़ दिया जाए या ख़राब कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस सारे आर्किटेक्चरल जो वर्क हुए थे उन सभी को मेंटेन करा, ठीक है, और अच्छे से बनाया उसको, जहाँ पर भी वो ख़राब हो रहा था उसको और मेंटेन कराया,
गया। इसके अलावा जो कोट्स वगैरह यूज़ किए जा रहे थे उमेयाद्स के टाइम पर भी, उनको भी मेंटेन कराया है ना। जहाँ पर भी कोई भी तरह की सेरेमनीज़ होती थी, किसी भी तरह का प्रोग्राम होता था, किसी भी तरह की स्पीचेस, मीटिंग्स या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ कुछ की जाती थी, उन सभी हॉल्स को, उन सभी सेरेमोनियल्स हॉल्स को, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स को, है ना, सबको बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन करा के रखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक चेंज है वो लगातार कंटिन्यूसली अरब में होता जा रहा है ना। देखा हमने कि कैसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद का रूलिंग सिस्टम चल रहा था, उनके इंस्ट्रक्शंस लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर बारी बारी से फोर मेन कैलिफ्स आते हैं और उमेयाद डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जहाँ पर फिर पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से ही चेंज हो जाता है। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो भी, फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। देन हमने देखा कि कैसे अब अब्बासिद रिवॉल्यूशन के थ्रू अब्बासिद्स का यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा अरब जो था या इस्लाम हिस्ट्री थी वो यहीं पर रुकने वाली नहीं थी, अभी इसमें बहुत सारे दूसरे चेंजेस भी होने जा रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी जो लोग आ रहे थे, जो भी हेड बन रहे थे, उनको अभी भी कैलिफ्स ही कहा जा रहा था। ठीक है, फोर मेन कैलिफ्स अली के बाद से भी जब उमेयाद्स आ गए तो उमेयाद्स के भी जो हेड होते थे उनको कैलिफ्स ही कहा जाता था। बट मतलब फ़र्क ये था कि अब खलीफाज या कैलिफ्स जो आ रहे थे वो एक डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले आ रहे थे ना, सेम फैमिली के थे। ठीक है, पर हेड जो था वो अभी भी कैलिफ या खलीफा ही कहला रहा था। ठीक, अब्बासिद्स के टाइम पर भी यही होता है, अब्बासिद डायनेस्टी में भी जो रूलर्स थे वो खलीफाज ही कहला रहे थे। ठीक, अब एक और बहुत बड़ा चेंज होता है इस टाइम पर, और जो चेंज क्या होता है कि यहाँ पर जो कैलिफ्स का सिस्टम चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर सुल्तान्स का पीरियड शुरू होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हमारा टॉपिक क्या है, ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट एंड द राइज ऑफ सल्तनत्स। ठीक, तो अब देखेंगे आगे की और क्या है। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि अभी हमें होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, जो भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी हम मैक्सिमम क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के फ्रेम कर सकते हैं उसको करेंगे और अपनी कॉपी में उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। कभी भी ग्रुप में ये कॉपीज़ मांगी जा सकती हैं, तो बिल्कुल प्रिपेयर रखना है, तैयार रखना है। ठीक है, और रिवाइज़ करते चलो पुराने को, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है। तो हमें क्या करना है कि हमें हर दिन पढ़ाया हुआ टॉपिक ही नहीं पढ़ना है, हमें जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स भी हैं जो एक हफ़्ते या दो हफ़्ते पहले हम लोगों ने पढ़ा है उसको भी साथ में दोबारा भी रिवाइज़ करते जाना है और रिलेट करते हुए पढ़ना है ना। हिस्ट्री क्या है कि इवेंट्स का एक सीरीज़ है ना, ऑर्डर है, तो उसको हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो रिवाइज़ करेंगे, रिलेट करेंगे और हमारे नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर, तो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।